एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ हरियाली चिकन की रेसिपी, दैट इज़ ग्रीन चिकन ऑल्सो। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए है दिस 1 kg चिकन, तकरीबन 1 किलो चिकन है। ये 7 to 8 कैश्यूज़ हैं, 7 to 8 आलमंड्स है। इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए, कैश्यूज़ एंड आलमंड्स का। ये 6 to 7 पीसेस ऑफ जिंजर है, 10 to 12 पीसेस ऑफ गार्लिक। ये 3 मीडियम साइज ऑफ आनियंस थे जिन्हें मैंने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। हमें इसे जैसे हम बिरिस्ता के लिए ब्राउन करते हैं उसी तरह से हमें इसे ब्राउन करना है। सीन दिस इज ग्रीन चिकन, तो हमें इसमें कोथमीर और पुदीना थोड़ा ज़्यादा लगता है क्वांटिटी में। सो ये 1 कप फ्रेश कोरिएंडर्स है और ये 1 कप मिंट लीव्स है, पुदीने के पत्ते। मैंने 5 ग्रीन चिलीज लिए, इसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और मैंने यहाँ 1 श्रेणी कड़ी पत्ते के लिए है कुछ पत्ते, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। इसकी महक बहुत अच्छी आती है द करी लीव्स, नहीं तो कोई बात नहीं। ये मैंने 2 बॉयल्ड एग्स लिए हैं, ये अगेन ऑप्शनल है। ड्राई मसालों में मैंने लिया है 1 teaspoonful ऑफ ज़ीरा, दैट इज क्यूमिन सीड्स, 1/2 teaspoonful ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1/4 teaspoonful ऑफ पेपर पाउडर एंड 1 teaspoonful ऑफ पिंक सॉल्ट। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये 2 teaspoonful ऑफ फ्रेश लेमन जूस है, 1 कप कर्ड। खड़े गरम मसालों में मैंने लिया है 1 bay leaf, 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची, 2 green cardamom और 1 दालचीनी, दैट इज सिनेमन। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे हरे मसालों का पेस्ट बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक मिक्सिंग जार लिया है और उसमें मैं सबसे पहले डालूंगी पुदीने के पत्ते, ग्रीन चिलीज, कोथमीर दैट इज कोरिएंडर लीव्स और ये करी लीव्स। ज़ीरा, कर्ड, आलमंड्स, कैश्यूज, जिंजर, गार्लिक, हमारे फ्राई किए हुए आनियंस एंड लेमन जूस। अब इसका एक अच्छा सा पेस्ट हम बनाएंगे और फिर मैं आपको इसका पेस्ट बना के दिखाती हूँ। ये मैंने मसालों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है, हमें एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है इस तरह से। और क्योंकि इसमें मैंने दही और लेमन जूस डाला था तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने चिकन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। अब इन सारे मिक्सचर को, इनका हमने पेस्ट बनाया है, इसे हमें चिकन में डालना है और हमें चिकन को अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट का इसे रेस्टिंग टाइम देना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसे 10 टू 15 मिनट्स का रेस्टिंग टाइम देंगे। मैं इसे रेफ्रिजरेट करूँगी और उसके बाद हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा चिकन जो है अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसकी फ्राइंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कढ़ाई पे ऑयल रख दिया और मैं इसी ऑयल में इसे फ्राई करूँगी जिसमें मैंने अनियंस को फ्राई किया था, यानी कि जब मैं अनियंस का बिरिस्ता बनाया था उसी ऑयल में मैं इसे फ्राई करूँगी। और सबसे पहले मेरी तेल गर्म है, इसमें मैं डालूँगी 1 तेज़पत्ता, 2 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और इसे हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मैरिनेटेड चिकन। सारे मसालों को हमें इसमें डाल देना है और इसे हमें लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाना है, तब तक जब तक कि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपके सामने रेक खोलती हूँ और देखिए हमारा चिकन तकरीबन 80% गल चुका है और मसालों ने तारीफ छोड़ दी है, बहुत अच्छा कलर इसमें आया। अब हम इस स्टेज पर
इसमें डालेंगे हमारे मसाले, ड्राई मसाले, दैट इज गरम मसाला पाउडर, पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। और इस स्टेज पर हम डालेंगे तकरीबन हाफ कप वाटर, और ये पानी मैंने जो मिक्सचर में इसका पेस्ट बनाया था उसी मिक्सचर में मैंने इस पानी को घोल के इसका पेस्ट बना लिया है। इसी पानी को हम इसमें डालेंगे। पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब अगेन हम इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है। और देखिए इस तरह से मसालों ने तरी छोड़ दिया है। देखिए इसमें अच्छी तरह से तरी आ चुकी है और हमारा चिकन भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब इस स्टेज पर हम गैस बंद कर देंगे और इसका हम तड़का तैयार करेंगे। तो मैं आपको इसका तड़का दिखाती हूँ। तड़के के लिए मैंने पैन में 1 चम्मच घी डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली फूड, सॉरी रेड चिली कलर, ये जिस फॉर द कलर दिखानी है। और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हल्का सा हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसकी गैस बंद करके हम इसे हमारा जो करी है इसमें इसे डिश आउट कर लिया है। और जो एग्स मैंने बॉईल किए हुए थे उसे मैंने इस तरह से इसमें रख दिया है इस करी के साथ विद द ग्रीन चिकन करी। ये बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छे लगते हैं। और अब मैंने जो हल्की सी जिंजर जूलियंस में काटे थे इस तरह से उसे मैं इसके ऊपर हल्का सा डिश आउट कर दूंगी। और देखिए हमारा ग्रीन चिकन करी बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही मज़े का होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।